बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। यह उम्र का तकाजा है और उस पर कोरोना की आशंकित मार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में अब भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी वे मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं हो पाएंगे। कभी राम मंदिर के लिए देश में रथ यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम को देखेंगे। भाजपा की राजनीति में हाशिए पर आ चुके कुछ बुजुर्ग नेताओं के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस पूजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 5 अगस्त का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो इसके लिए भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या के साथ ही देश के अन्य राज्यों व शहरों में भी एक साथ दीप प्रज्वलित कर एक नया संदेश देना प्रस्तावित है। प्रशासन लाल कृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी के साथ ही ऐसे 10 बड़े नामों की सूची तैयार कर रहा है जो अयोध्या तो नहीं आ सकेंगे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन देख सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि भूमि पूजन के दिन मंच पर पीएम मोदी को मिलाकर कुल 5 लोग उपस्थित रहेंगे। इनमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, नित्य गोपाल दास उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 2 और संत रहेंगे। इनके अलावा कोई नेता या संत मंच पर नहीं रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, राम भद्राचार्य, इकबाल अंसारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और विनय कटियार को भी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।